नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तुलिका दीक्षित। महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन काल में स्वराज का सपना देखा। स्वराज का मतलब एक उत्तर में अगर ढूंढा जाए तो उसका मतलब होता है राम राज्य। महात्मा गांधी का कहना था कि सिर्फ देश विदेशियों के चंगुल से नामुक्त हो, लेकिन देश तरक्की करे और सबको साथ लेकर चले। सवाल आज ये उठता है कि क्या महात्मा गांधी का राम राज्य भारत में आया? क्या गांधी का राम राज्य भारत में बन पाया? क्या गांधी के सपनों का भारत बन पाया? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर महात्मा गांधी ने भारत को लेकर क्या सपना देखा था, कैसा होगा उनके सपनों का भारत, वो जान लेते हैं। हम पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं ऐसे देश के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब लोग भी ये महसूस करेंगे कि ये उनका देश है, जिसमें निर्माण में उनकी आवाज़ का महत्व है। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें ऊंच और नीचे वर्गों का भेद नहीं होगा और जिसमें विविध संप्रदायों का पूरा मेलजोल होगा। ऐसे भारत में अस्पृश्यता या शराब और दूसरी नशीली चीज़ों के अभिशाप के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता है। उसमें स्त्रियों को वही अधिकार होंगे जो पुरुषों को होंगे। शीर्ष सारी दुनिया के साथ हमारा संबंध शांति का होगा। ये है मेरे सपनों का भारत। तो महात्मा गांधी ने अपने सपनों के भारत को इस तरह से परिभाषित किया था जिसमें न कोई गरीब होगा न अमीर होगा, सब बराबर होंगे और जिसमें गरीबों की साझेदारी उतनी ही होगी भारत के निर्माण में जितनी अमीरों की होगी। न ऊंचे का भेद होगा न नीचे का भेद होगा। तो सपना तो महात्मा गांधी ने ऐसे भारत का देखा था, ऐसा रामराज्य लाने की बात उन्होंने बोली थी, लेकिन अगर हम हकीकत में देखने की कोशिश करें तो आज भारत क्या है वो भी जान लेते हैं। आज महिलाओं को संसद में ही आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। 33% आरक्षण के लिए जद्दोजहद कर रही हैं महिलाएं संसद के अंदर। 65% महिलाएं साक्षर हो पाई हैं। 28.8% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। 1000 लड़कों में 919 लड़कियां हैं। शहरी इलाकों में आंकड़ा 899 तक है। देश में हर साल 45,000 महिलाओं की मौत प्रसव के दौरान हो जाती है। भारत में 73,000 पर औसतन एक जज, 3 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित पड़े हुए हैं। बेरोजगारी दर 2015-16 में 5% तक पहुंच गई थी। महिलाओं में ये दर 8.7% है, यानी महंगा बेरोजगारी भी उसी स्तर पर बढ़ रही है जिस स्तर पर हमारी जनसंख्या बढ़ी है। महात्मा गांधी ने जिस भारत की परिकल्पना की थी आज़ादी के बाद, भारत उस आंकड़े को, उस सपने को कितने उसके करीब पहुंच पाया है ये आंकड़े बता रहे हैं। जहां पर आज भी घरेलू हिंसा की महिलाएँ शिकार हो रही हैं। लैंगिक समानता की बात कर ले तो वो बहुत बड़ी खाई वहाँ पर सामने आ रही है। बेरोजगारी चरम पर है। 2015-16 में ये 5% पर पहुंच गई है। तो महात्मा गांधी ने अपने सपनों के भारत के लिए जो परिभाषा रखी थी, हम उसके कितने करीब पहुंचे हैं और अगर नहीं पहुंच पाए हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है, इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ पूरा पैनल भी जुड़ा हुआ है,
उसकी ओर रुख करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशीष दीक्षित जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशीष दीक्षित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीटी नकवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बीटी नकवी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भाजपा से नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नवीन श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीटी नकवी साहब आपको हम इस चर्चा में शुरुआत आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी के सपनों के भारत की बात हो रही है और जो आंकड़े और जो तस्वीर अब तक सामने आई है तो उसके कितने करीब हम अपने आप को पाते हैं? तुलिका जी, बात बड़ी रेलेवेंट है और जो आज टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज गांधी जयंती है और हम ये मानते हैं कि गांधी हमारे तारीख के, हमारे संग्राम के, स्वतंत्रता संग्राम के, फ्रीडम मूवमेंट के सबसे बड़े लीडर थे। और जैसा कि आज बात होनी है कि किस हद तक हमने गांधी के सपनों को पूरा किया, लेकिन ये तो देखिए सब जग जाहिर है सब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन सेकुलर है, उसके अंदर रिलीजियस राइट्स हैं, उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स को जो का भी रिकॉग्निशन है, जिनको आप बेसिक ह्यूमन राइट कहते हैं वो भी हमारे संविधान में है। काफ़ी चीज़ें हैं, बेगार, जैसे हमारे हिंदुस्तान में आज़ाद हिंदुस्तान से पहले बेगार करना कोई जुर्म नहीं था, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको प्रोहिबिट किया, उसके एक अंदर एक आर्टिकल रखा। और इक्वलिटी का प्रिंसिपल, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमारे समाज में आज़ादी से पहले इक्वलिटी का कोई थॉट ही नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, एक बड़ा था एक छोटा था। और जो हमारे यहाँ का एक कास्ट सिस्टम था उसमें एक, सब जानते हैं कि हायरार्की में कौन सबसे नीचे था कौन सबसे ऊपर था, लेकिन हमारे संविधान ने और सबको बराबर कर दिया। ये देन है हमारे गांधी जी के, उस जो हमको आईन मिला उस आज़ादी की लड़ाई के बाद। लेकिन जहाँ एब्रेशन, आपने कहा कि आज भी प्रसव में मौत हो जाती है हमारी महिलाओं की और बच्चों की, और जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है वो अपनी एक जगह है, ये एब्रेशन से मेरी नज़र में ये सारे एब्रेशन से, और इसकी जिम्मेदारी हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो हमारे वो लोग जो हमारे उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्शनरीज हैं हमारे सिस्टम में, एक जुडिशियल ऑर्गन है, एक पोलिटिकल ऑर्गन है, एक पार्लियामेंट है, तो इन सब का की जिम्मेदारी है कि हमारे संविधान को पूरी तरह से उसको लागू करें। इस सिस्टम की खराबी है, जो लोग फॉलो नहीं कर रहे, जो अपनी ड्यूटीज के लिए समझ रहे। देखिए एक गवर्नेंस, अब गवर्नेंस की बात आ गई, एक जो रामराज की बात है, जो गांधी के जो थॉट है वो एक आइडियल, एक आइडियोलॉजी है और एक आइडियल स्टेट है। कहीं भी दुनिया में कोई भी आइडियल स्टेट और प्रैग्मेटिक स्टेट, जो दोनों चीज़ें, उनमें फ़र्क होता है। लेकिन हम कितने आइडियल स्टेट के करीब होंगे, जैसे बात हुई रामराज की, क्या मतलब रामराज का? रामराज का मतलब अयोध्या, जहाँ युद्ध ही ना हो, जो नाम है अयोध्या का वो युद्ध ना होने से है। और जहाँ रामराज का कंसेप्ट आया, तो भगवान राम जब लौट के आए जंग जीतने के बाद, जो उन्होंने राइट्स दिए अपने शहरी को, वो एक कंसेप्ट बना के हम ऐसा राज चाहते हैं। और इसमें बेसिक लड़ाई आज जो है वो ये है कि क्या हम डेमोक्रेट रहेंगे, क्या हम सेकुलर स्टेट रहेंगे, क्या स्टेट किसी रीजन को फंड नहीं करेगी या उसको अपना रीजन नहीं बनाएगी। बेसिक आज लड़ाई है कि हम टोटलिटेरियन वे जाएंगे या हम उसी उस पर चलते रहेंगे, गांधी के प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, वायलेंस, नॉन वायलेंस, रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स, डिलीवरी ऑफ जस्टिस, बेसिकली डिलीवरी ऑफ जस्टिस। क्या हर शहरी को डिलीवरी ऑफ जस्टिस हो पाएगा? क्या उसको जस्टिस मिलेगा? क्या उसके राइट्स का रिकॉग्निशन होगा? मैं ही समझता हूँ कि काफी हद तक हम लागू कर रहे हैं, लेकिन अभी एब्रेशंस हैं। सत्तर साल हमारी आज़ादी को हो गए हैं और उसके बाद भी अभी हमको ये विचार करना पड़ रहा है कि हमें करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है और उस लक्ष्य को की कैसे प्राप्ति करनी है। 70 साल बाद भी हमको विचार करना पड़ रहा है। चलिए हम प्रभात त्रिपाठी जी, जी प्रभात त्रिपाठी जी के पास आ जाते हैं। नमस्कार जी प्रभात त्रिपाठी जी, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जैसे कि हम रामराज की बात करते हैं, अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ देखते हैं तो कांग्रेस का कहना है कि 70 साल में हमने बहुत कुछ किया है जिसकी वजह से आज जो हम सर उठा के खड़े हैं विश्व में, तो वो कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस का ये कहना है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, उनके अगर परिकल्पना की हम बात करते हैं तो उनके हिसाब से रामराज मतलब राम मंदिर का निर्माण। क्या ये राम राज्य है? क्या ये उस सपने का भारत है जिसकी परिकल्पना की थी महात्मा गांधी ने?
देखिए तुलका जी, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, नकवी साहब ने विचार डाला, अच्छे हाँ, विचार डाले, सबसे पहले ये समझना होगा कि गांधी जी ने जो भारत बनाया था जी, वो भारत उस समय किस तरीके का था, और आज जो भारत बनाया जा रहा है, न्यू इंडिया बनाया जा रहा है, जो मोदी जी का भारत कहलाएगा आगे चल के, क्या वो आप गांधी के विचारों को खत्म करके, देखिए गांधी के विचार, गांधी एक बहुत बड़ा नाम है पूरे विश्व के अंदर। आज भारत अगर कहीं आजादी के बाद खड़ा है तो हमारे गांधी जी ने जिस त्याग और भावना से देश को आजाद कराया था, उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं था कि हम देश को आजाद करा रहे हैं, आजादी के बाद भारत जो होगा हमारा वो नाम होगा कि नहीं होगा, हम राष्ट्रपिता होंगे कि भी नहीं होंगे, उन्होंने ये नहीं सोचा था। आज हर व्यक्ति अपना नाम दर्ज कराने के लिए एक नया भारत बनाने जा रहा है। ऊंच नीच, भेदभाव, सेकुलर कंट्री, गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है उसको पाटने के लिए जिस तरह गांधी जी ने देश को आजाद कराया था, आज 67 साल की बात हो रही है, 67 साल में निश्चित तौर पे भारत कई मुकाम पे बहुत तरक्की कर चुका है। सबसे देखिए सबसे बड़ी तुलका जी बात समझनी होगी जी, उस समय जब गांधी जी का भारत था तो हमारे देश की जनसंख्या बहुत वर्धक थी, करीब लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या नहीं होगी, आज 125 करोड़ का भारत है, और उस 125 करोड़ के भारत में कितनी समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को जो हमारे राजनेता, जो सरकारों में बैठे हुए हैं, जो अभी तक सरकारें चली हैं, उन्होंने किस त्याग भावना से, क्या उन्होंने गांधी के आदर्शों पे काम किया, क्या उन्होंने गांधी के विचारों पे काम किया, करप्शन, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें। और देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज आप न्यू इंडिया बना रहे हैं, आप न्यू इंडिया बनाइए, नया भारत बनाइए, चाहे वो मोदी का भारत हो चाहे वो गांधी का भारत हो, सवाल इस बात का है कि आप अभी तक समाज से उन बुराइयों को समाप्त नहीं कर पाए ये राजनेता लोग, जो बुराइयां चरम सीमा पे हैं। देखिए आज आप रामराज की बात करते हैं, अरे भाई कैसा रामराज भाई, रामराज तभी आएगा इस देश के अंदर जब गरीब के पेट में भोजन होगा, जब गरीब के तन में कपड़ा होगा, जब गरीब के पास रहने के लिए मकान होगा, तब रामराज जाएगा। क्या भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे, आप राम मंदिर बना लेंगे रामराज आ जाएगा, बिल्कुल रामराज नहीं आएगा। रामराज तब आएगा जब समाज के हर वर्ग के लोग ये महसूस करें कि हम सुरक्षित रह रहे हैं, हम भूखे नहीं रह रहे हैं, हमारे पास रोजगार है, हमारे पास तन ढकने के लिए कपड़ा है, हमारे बच्चों के पास दवाई है, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा है, हमारे युवा पीढ़ी के लिए आगे बढ़ने के मौके हैं। जब हम ये सारी चीजें उपलब्ध करा लेंगे इस 125 करोड़ की देश की जनता के सामने, तो असल रामराज और बापू का सपना तभी पूरा होगा। आप आज गांधी जयंती मना रहे हैं, राजघाट में गए, आपने पुष्पांजलि अर्पित की, आज पूरे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है, एक अच्छा काम हो रहा है मोदी के सरकार में, आज से एक काम अच्छा हो रहा है कि स्वच्छ भारत बनाने की बात हो रही है, हमें स्वच्छ भारत बनाना चाहिए। लेकिन असली बात तुलका जी, इस देश से गरीबी कब हटेगी, गरीब और अमीर की खाई कब पटेगी, देश में सुरक्षा कब मिलेगी, आधी आबादी पूरी तरीके से, कब महिलाएं जो है पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होंगी, क्या महिलाएं घर में कैद होने के लिए हैं, क्या महिलाओं को आगे मौका नहीं मिलना चाहिए, क्यों अभी तक देश की आजादी के बाद संसद में महिला बिल पास नहीं हो पाया, क्योंकि इन नेताओं का स्वार्थ है पुरुष प्रधान भारत देश में कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम ये बिल पास कर लेंगे तो संसदों में और विधानसभाओं में महिलाओं का कब्जा हो जाएगा जी। तो ये विचार, ये भावनाएं, जब तक ये राजनेता, चाहे वो शीर्ष में बैठा हुआ नेता हो चाहे वो नीचे बैठा हुआ नेता हो, सबको एक भावना से काम करना होगा, तब हम गांधी के भारत को, चाहे आप न्यू इंडिया भारत की बात करें, आपने न्यू इंडिया भारत की बात कही, लेकिन अभी आप कोसों दूर हैं। गांधी जी को पाना किसी भी एक व्यक्ति विशेष के लिए बहुत बड़ी बात है। गांधी के व्यक्तित्व, उन्होंने दांडी मार्च निकाला था, शरीर में बदन में उनके एक कपड़ा नहीं था, उन्होंने त्याग भाव से देश को आजाद कराया, कहीं उनका कोई स्वार्थ नहीं था, कहीं उनके अंदर मन में भेदभाव नहीं था, कहीं सेकुलर ढांचे को मजबूत करने की जो बात कही थी जब हमारा संविधान बना, तो आखिर आज हमारा संविधान कहां, किस ओर जा रहा है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र किस ओर जा रही है जी।
तो सारी चीजें सोचनी होगी तुलका जी। ये एक अहम सवाल इस देश के अंदर आज बापू जी की गांधी जयंती पे खड़ा हुआ है, जिसका जवाब इन राजनेताओं को देना होगा। चलिए इन राजनेताओं के पास हम आए, उससे पहले आइए हम आपको दिखा देते हैं कि आखिर जो सपने की बात बोली थी महात्मा गांधी ने, उस सपने को अगर हम तोड़ के देखते हैं तो आखिर उनका कहने का मतलब क्या था, इसको बहुत विस्तार से खुद महात्मा गांधी ने समझाया भी है, वो देख लेते हैं। महात्मा गांधी का रामराज क्या है? रामराज में उनका अर्थ हिंदू राज्य नहीं बल्कि ईश्वरीय राज है, यानी कि भगवान का राज्य, जहां सबको, सबसे कमजोर नागरिक को भी बिना किसी लंबी और महंगी प्रक्रिया के जल्द से जल्द न्याय मिल सके। गांधी के सपनों के रामराज में राजा और रंक को बराबर का अधिकार होगा। इस रामराज्य की परिकल्पना महात्मा गांधी ने की थी। गांधी के धर्म की परिभाषा सत्य और अहिंसा के पथ पर अडिग रहना, परायों और पीर के प्रति संवेदनशील होना, नैतिकता और साधन शुचिता का अपनाना, पशु बल का आत्मबल से सामना करना और अन्याय के आगे घुटने मत टेकना, ये थी धर्म की परिभाषा, ये थी रामराज्य की परिभाषा जो महात्मा गांधी ने दी थी। लेकिन आज की जो परिभाषा है रामराज्य की बात कर लें या न्यू इंडिया की बात कर लें, वो इससे काफ़ी अलग हो चुकी है। उन्होंने एक हिंदू राज्य की बात नहीं की थी, उन्होंने ईश्वरीय राज यानी भगवान के राज की बात की थी। चलिए अब हम एक बार फिर से वापस चर्चा पे चलते हैं और हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, तो डॉक्टर आशीष दीक्षित के पास जाते हैं जो कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब बहुत सालों तक राज किया है कांग्रेस ने, देश में सरकार रही है उनकी। डॉक्टर दीक्षित, आप कहाँ पाते हैं राम राज्य को और कांग्रेस की इसमें कितनी सहभागिता है जो आज हमारा देश खड़ा हुआ है और कितने करीब है वो उस राम राज्य के? देखिए राम राज्य की बात करने से पहले रामराज्य को समझना पड़ेगा। रामराज्य जो है जिसमें, जिसका कंसेप्ट ये है जो गांधी जी का रामराज्य था, उस हिसाब से ना लिंग के आधार पे भेद हो, ना जाति के आधार पे भेद हो, ना धर्म के आधार पे भेद हो, ना गरीबी अमीरी के हिसाब से भेद हो जी। ठीक है, हम लोगों की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हमेशा ऐसी रही है। हम लोगों ने लोगों को जोड़ने का काम किया है और उसी परिपाटी पे 70 साल जो है देश को हम लोग आगे बढ़ा के लाए हैं। मगर आज की विचारधारा देख लीजिए, आज जो पार्टी सत्ता पे काबिज है। डॉक्टर दीक्षित यहाँ पर आपको रोकेंगे, ये जानना चाहेंगे कि जो आप बात बोल रहे हैं उसको आप किस तरह से प्रूफ करेंगे कि जो आप कांग्रेस की सरकार रही तो इन सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखा गया और इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया, कुछ तो उदाहरण दीजिए आप। मैं उसी पे आ रहा हूँ, बीजेपी पे मत जाइए अभी। देखिए कांग्रेस पार्टी ने जो भी राज किया आराम से सभी धर्मों को लेके साथ में काम किया, महिलाओं को भी विशेष तवज्जो दी गई और जातिगत आधार पे आज भी हम लोग जो है किसी तरीके का, जो हमारी पार्टी में किसी भी तरीके का वो नहीं है। आज जो पार्टियां राज कर रही हैं वो गांधी को मिटाना चाहती हैं, गांधी के चेहरे को हटा दिया गया है, सिर्फ चश्मे को रखा गया है और होता है कि सफाई अभियान चल रहा है। ऐसे लोग सत्ता पे काबिज हैं जो गांधी जी के बारे में जिनका विश्व में इतना सम्मान है। डॉक्टर दीक्षित आप अभी कांग्रेस के काम बता दीजिए, हमें कांग्रेस के काम बता दीजिए। डॉक्टर दीक्षित बीजेपी पे अभी मत आइए, बीजेपी का जवाब हम ले लेंगे अपने बीजेपी के मेहमान से। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे और जाति के आधार पे देश को बंटने नहीं दिया है। हमेशा जोड़ने का काम किया है, इसीलिए इतनी तरक्की करी है 70 सालों में। जिस देश में सुई नहीं बनती थी उस देश में विश्व में सबसे न्यूनतम कीमत पे मंगल पे यान भेजने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। ये गांधी जी की विचारधारा थी, प्रोग्रेसिव सोच के कारण हम लोग कर पाए हैं। हम लोगों ने कभी बांटने का काम नहीं किया किसी भी आधार पे। नौजवानों के लिए हम लोगों ने यही शिक्षा दी कि अहिंसा के रास्ते पे चला जाए। देखिए डॉक्टर दीक्षित जो सत्ता में हैं, डॉक्टर दीक्षित जी बताएं। देखिए अभी आप खुद कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा आपकी पार्टी ने देश में राज किया, आपकी पार्टी की देश में सरकार रही, यहाँ पर विकास भी किया है। जी पूरी बात सुन लीजिए डॉक्टर दीक्षित। अगर हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो यहाँ पर 73,000 जो जनसंख्या है, 73,000 लोगों में एक जज है, 3,00,000 से ज्यादा हमारे जो है केसेस लंबित पड़े हैं,
तीन साल की बीजेपी की सरकार है, सबसे ज्यादा आपकी सरकार रही है। यहाँ पर आपसे और जानेंगे जो हमारा लैंगिक भेदभाव है, लैंगिक जो अनुपात है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसको ठीक करने के लिए आपकी सरकार की ओर से क्या किया गया, ये सारे जवाब दीजिए हमको। सारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी की चलाई हुई है और सारी हम लोगों ने कभी भी धर्म के आधार पर नहीं बांटा, लिंग के आधार पर नहीं बांटा। सारी जो योजना है, यहाँ तक सती प्रथा थी उसको भी खत्म करने में कांग्रेस पार्टी के लोगों का काफी योगदान रहा। हम लोगों ने हमेशा जो है समाज कार्य से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आगे बढ़ाने का काम किया है। हमेशा कांग्रेस पार्टी की सोच प्रोग्रेसिव रही है, किसी भी तरीके के डिवाइड, यही तो रामराज है, यही तो रामराज की परिकल्पना गांधी जी ने की थी, इसी देश के इसी तरीके के देश का निर्माण गांधी जी चाहते थे। तो कांग्रेस आपका ये कहना है, आज जिस तरीके का माहौल जी डॉक्टर दीक्षित, आपका ये कहना है कि कांग्रेस उसके बहुत करीब भारत को ले आई थी जिस रामराज की कल्पना की थी महात्मा गांधी ने, आप यही कहना चाहते हैं? और क्या, महात्मा गांधी जी की जो आदर्श थे उसी पे हमारी पार्टी का पूरा आधार है, उसी विचारधारा पे हम लोग आज तक चल रहे हैं। चलिए चलिए नवीन श्रीवास्तव जी आपके पास आते हैं। नवीन श्रीवास्तव जी, कितने करीब ले आए हैं आप राम राज्य के भारत को? देखिए तुलका जी, डिबेट शुरू करते समय आपने एक शब्द का प्रयोग किया, पहले तो मैं उस पर सहमत नहीं हूँ कि राम अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनाना हमारा एजेंडा है। देखिए हम भगवान श्री राम के उस रूप में पुजारी हैं जो जिसकी कल्पना महात्मा गांधी जी ने की थी राम राज्य की। राम राज्य का मतलब क्या है, आपने भी बताया और हमारे सभी विद्वान सहयोगियों ने भी बताया कि सबकी समान रूप से उन्नति हो, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा नारा है। लैंगिक भेद की बात हुई, मैं अपने कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं कि इस देश की 20% आबादी की का 50% है ट्रिपल तलाक, आपने क्यों नहीं, शाह बानो केस का फैसला है, आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया, आप कहां लैंगिक भेद की बात नहीं करते हैं, आपने उन महिलाओं मुस्लिम महिलाओं के साथ लैंगिक भेद किया या नहीं किया? लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने उसको खत्म किया। दूसरी चीज देखिए, भगवान श्री राम का जो रामराज था या महात्मा गांधी का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उसने पार्टी की उपलब्धि कैसे? डॉक्टर दीक्षित बोलने दीजिए, डॉक्टर दीक्षित बोलने दीजिए उनको। नहीं तुलिका जी, तुलिका जी देखिए, महात्मा गांधी जी का ये था कि ग्राम स्वराज, देखिए बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा के हम सबको रोजगार नहीं दे सकते हैं, महात्मा गांधी की भी यह कल्पना थी कि गांव में कुटीर उद्योग बढ़े। आज चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, क्यों? वहां पर कुटीर उद्योग की बहुलता है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट का जो कौशल वृद्धि की योजना चलाई, और दूसरा हमने जो यंग इंडिया के लिए स्टार्टअप योजना, हमारी पार्टी का जो महात्मा गांधी जी या भगवान श्री राम का जो राम नाथ जो कल्पना थी कि नौकरी नहीं हम रोजगार सृजन करेंगे, और मैं आपको बता दूं 3 साल में 60 लाख से अधिक लोगों को हमने स्टार्टअप योजना के तहत मुद्रा बैंक से अपना रोजगार करने के लिए हमने पैसा दिया है। एक व्यक्ति अगर 5 लोगों को भी रोजगार देता है तो लगभग 3 करोड़। देखिए सबका साथ सबका विकास, हमारे देश में 29 करोड़ लोग हमारी सरकार आने के बाद जनधन खाते के माध्यम से उन्होंने बैंकों में खाता खुलवाया। क्या 29 करोड़ लोग देश की मुख्य धारा में थे क्या 3 वर्ष पहले तक? लगभग 3 करोड़ माँ बहनों को हमने उज्ज्वला गैस योजना के तहत उनको गैस दिया है, खाना बनाने में घर में महिलाओं को जिनके यहाँ गैस के चूल्हे नहीं थे कितनी दिक्कत होती। यह रामराज्य है, यही सही मायने में महात्मा गांधी जिस रामराज्य की कल्पना करते थे वह था सबका साथ सबका विकास। हमने नवीन जी, सिर्फ नारा देने से नहीं होता है, आपके राज में 2015-16 में बेरोजगारी दर 5% पहुंच गई जो अब तक का हाईएस्ट है। इसके अलावा जो आप कुटीर उद्योग की बात कर रहे हैं, ग्राम उद्योग की बात कर रहे हैं, नवीन जी बात सुन लीजिए, जो आप ग्राम उद्योग की बात कर रहे हैं, जो GST और नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा हमारे जो छोटे और मझोले उद्योग बंद हुए हैं, कैसी बात आप कर रहे हैं? कृपया मेरी बात तो सुन लीजिए, 70 साल जिन्होंने राज किया हुआ उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, 3 साल में हम जिम्मेदार हो गए। हर साल से हम महात्मा गांधी का एक और जो सबसे बड़ा स्वच्छता में भी हम काम कर रहे हैं, स्वच्छता और मैं इस तरह की बात में भाग ले सकता हूँ। डॉक्टर दीक्षित उनको बोलने दीजिए, गंभीरता से बात हो रही है, वो गंभीरता से बात तब तो मैं बोलूं, नहीं तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता से ही बुलवा लीजिए। डॉक्टर दीक्षित प्लीज उनको बोलने दीजिए, आप बात कर रहे हैं तो गंभीर तरह से बात होनी चाहिए ना।
मैं तो बोल नहीं, मैं तो आपने 3 साल बता रहा हूं, मैं तो मैं बोल रहा हूं, आप उनको बोल नहीं दीजिए, फिर आपकी बारी आएगी, आप उनका जवाब दीजिएगा। आप तो सुनिए पहले मेरी, आप अपनी बात करते समय में कहिएगा। जी बोलिए। मैं तुलिका जी ये कहना चाहता हूं कि भगवान श्री राम का जो राम राज्य था, जिसकी परिकल्पना महात्मा गांधी ने की, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, ग्रामीण रोजगार बढ़े, कुटीर उद्योग बढ़े, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम उसको करने का कोशिश कर रहे हैं। हम जनधन खाते के माध्यम से 29 करोड़ लोगों को 3 वर्षों में जोड़ा गया, जिन बेचारों ने कभी बैंक में खाता नहीं। ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, उज्ज्वला गैस का योजना हो, बहुत सारी ऐसी हो, स्वच्छता, अभी देखिए महात्मा गांधी को स्वच्छता सबसे प्रिय थी, और हमारी सरकार आने के बाद हमने संकल्प लिया है कि 2 अक्टूबर 2018 तक हम हिंदुस्तान के सभी गांवों को सभी जगह ODF मुक्त कर देंगे। हम अपनी योजना बना के, जो महात्मा गांधी के रामराज्य की परिकल्पना थी, उसी के आधार पर हम अपनी योजनाएं बना के सबका साथ सबका विकास और समाज के सभी वर्गों को, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे माताएं हो, चाहे बहने हो, चाहे समाज का वह एक वर्ग जिसको अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया और इनकी सरकार ने संविधान को संशोधित करके उसको खत्म कर, वो भी अधिकार हमने, हमारे पास ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था वो, लेकिन हमारी सरकार ने उसमें ठीक से पैरवी की, उन बहनों के लिए पैरवी की जिनको आप, जिसको लैंगिक भेद की दृष्टि रख सकते हैं। हमारी पार्टी का नारा बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ है, ये सारी लैंगिक अनुपात 3 वर्षों में बढ़ा है तुलिका जी, तो हम उन सारे दिशाओं में काम कर रहे हैं जिससे गांधी जी के सपनों का स्वराज रामराज इस देश में स्थापित हो सके। हमारे पास समय कम, अभी 3 वर्ष हुआ, महात्मा गांधी स्वच्छ भारत की बात कहते थे, स्वच्छ भारत का मतलब ये नहीं है कि आप झाड़ू लेके सड़कों पर चल दे तो आप उनके सपनों को पूरा कर देंगे। स्वच्छ भारत ये भी था कि अपने मन को भी स्वच्छ कीजिए, अपने विचार को भी स्वच्छ कीजिए, और उसके बाद जो है फिर आप स्वच्छ भारत की बात कीजिए। और जहाँ तक आपके धन जनधन खाते की बात है नवीन जी, सवाल यहाँ पर ये भी उठा है कि लोग जब बेरोजगार बैठे हैं, आप बैंक अकाउंट खुलवा के लोगों के पैसे में, लोगों के अकाउंट में पैसे कहाँ से डलवाएंगे, नोटबंदी GST, उसके बाद आप जनधन की बात कर रहे हैं। चलिए हम BD नकवी साहब के पास आ जाते हैं। BD नकवी साहब, आपने दोनों ही को सुना, दोनों के ही दावे हैं कि BJP का कहना है कि वो जो अभी काम कर रही है वो महात्मा गांधी के उस राम राज्य की परिकल्पना को पूरा करने के लिए कर रही है। वही डॉक्टर दीक्षित का कहना है कि भैया जो हमने काम किया पिछले सालों में वो सिर्फ उसी का परिणाम है कि राम राज्य के बहुत करीब हम आ गए थे, अगर शायद बीच में BJP की सरकार ना आती तो राम राज्य भारत में आ ही जाता। देखिए सुनिका जी, बात बड़ी दोनों तरफ से कही गई जी। मैं जो बहुत अहम बात कहना चाहूँगा, जो हमारे ब्रदर कांग्रेस की तरफ बैठे थे, उन्होंने कुछ बातों को शायद न कहना मुनासिब समझा हो, कांग्रेस हिंदुस्तान में आईन आने के बाद, आईन लागू होने के बाद, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, सारे बिल 1955-56 बन गए जी। आजाद हिंदुस्तान में औरत का कोई राइट ही नहीं था, औरत का राइट था सिर्फ या तो अपने बाप के घर हो, या भाई के घर हो, या शौहर के घर हो, उसको सिर्फ राइट ऑफ रेजिडेंस था, उसको प्रॉपर्टी राइट मिले 1955-56 में, उससे पहले कुछ नहीं मिले जी। तो जो सारे राइट्स मिले ये हमें कंट्रीब्यूशन कांग्रेस का मानना होगा। दूसरा जो कंट्रीब्यूशन है 18% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन, उन लोगों को रिजर्वेशन मिला, समाज के उस तबके को मिला जिसे रोटी मैसर नहीं थी, जिसको सिर्फ जानवर की तरह ट्रीट किया जाता था इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर, मैं माफी चाहूंगा लोगों से इस बात को कहने में। तीसरा पंचायत राज एक्ट में राजीव गांधी ने रिजर्वेशन किया, विमेन रिजर्वेशन, सारे जगह जगह प्रधान हो ये सब आपको नजर आ रहे, ये किसकी देन है? ये तो इनफैक्ट कांग्रेस की देन है, ही मानना पड़ेगा हमको। लेकिन उसके साथ वाजपेयी जी की सरकार चली, उसमें भी काम हुआ, उसमें उसी तरह से काम किया उन्होंने। मैं इसको नहीं कहूंगा कि मैं ये कहूंगी नहीं साहब उन्होंने अच्छा काम नहीं करा, उन्होंने भी काम किया, एक स्लोगन उनका जरूर रहा इस तरह का, जैसा आज हम देखते हैं। मैं अपने बहुत ही डिसेंट अपना बात कहूंगा कि के BJP के अंदर फिलहाल जो सरकार चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, उसके अंदर माइनॉरिटी को नेगलेक्ट किया गया, कोई टिकट MLA का यहाँ पर UP असेंबली में नहीं दिया गया, नॉट ए सिंगल मुस्लिम, ना ही पार्लियामेंट का कोई टिकट दिया गया। हम कैसे कहते हैं कि वो आप सेकुलर स्टेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? खराबी ये हुई कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान का क्रिएशन हो गया, टू नेशन थ्योरी का, वो सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारा वो घाव जो है वो अभी घाव भरा नहीं है जी। वो इस तरह का जो घाव है उसको हम कैसे भरेंगे? इसलिए वो थॉट था उनका कि नहीं हमें एक हिंदू स्टेट चाहिए, हमें एक सेकुलर स्टेट चाहिए, ये लड़ाई चली और गांधी जी को अपनी जान भी गंवाना पड़ी इस लड़ाई की वजह से। तो जो सबसे बड़ी बात गांधी जी ने की, चलू कास्ट के लिए जो लड़ाई लड़ी, हरिजन शब्द को हिंदुस्तान को जोड़ दिया, गांधी जी का कंट्रीब्यूशन आप ऐसे देखें कि इस मुल्क को आज़ादी के लिए तैयार किया,
शुरुकास शुरुकास को नेशनल मजिस्ट्री में लाई, उसके साथ मुस्लिम्स को खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट करके उन्होंने उसको साथ लिया। गांधी एक ऐसी शख्सियत बन के उभरे कि मैं समझता हूँ कि उनके बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता, कुछ भी कहें। जो जो थॉट है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ एबरेशन है, मैंने कहा एबरेशन अब जाते हैं, फिलहाल जो है ठीक है, न्यू मेक इन इंडिया की बात हो रही है, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जो गांधी चाहते थे, मेरे बेहतर हमारे बीजेपी लीडर ने कहा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चाहते थे, हर एक गरीब को रोटी मिले, हर एक को काम मिले, लेकिन आज बड़ी जो उद्योग लगा दिए गए और आज जो पॉलिसी हो रही है उससे बड़े लोगों को, कैपिटलिस्ट को फायदा हो रहा है, चाहे वो अडानी हो या अंबानी हो, उनको ज्यादा फायदा। आप जियो को देख लीजिए तो उन्होंने उठा के सब हम फ्री देंगे, ये जो कनेक्शन दिए जा रहे हैं उसमें बताइए और जो लोग हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो इस तरह से हमें ज़रूरत है इस बात की कि ऐसी हमारी पॉलिसीज बननी चाहिए जिसके अंदर गरीब आदमी को ज़्यादा जॉब क्रिएशन हो, जो कैशलेस सोसाइटी, ये बताइए कैशलेस सोसाइटी से लोग बेरोजगार बेरोजगार होंगे या लोग कारोबार में लगा। मान लीजिए हमारे घरों में आसपास हमारे नवीन साहब के, हमारे यहाँ बेचारा कोई आदमी नौकर काम करता है, हमारा टिकट रिजर्वेशन कराता है, वो जॉबलेस हो गया। ऐसे ऐसे जो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तुल्लिका जी, अनऑर्गेनाइज लेबर का है, जिसकी ना कोई तनख्वाह है, वो रोज कमाता है रोज खाता है, हमें उसकी तरफ देखना होगा। मेरे ख्याल से ये सरकार उन लोगों की तरफ नहीं देख रही है। ये स्कीम अच्छी थी कि उन्होंने गैस दिया, मैं मानता हूँ उसका रिजल्ट भी आए, उसको पोलिटिकल रिजल्ट भी आए, और लेकिन ऐसी स्कीम की जरूरत है जहां गरीब आदमी, एक आदमी मर्सिडीज में घूमेगा हिंदुस्तान में और एक आदमी साइकिल में घूमेगा, ये डिस्पेरिटी कब पूरी होगी? अरे भाई अगर उसके पास मर्सिडीज है तो मेरे पास भी छोटी सी गाड़ी हो, मेरे पास भी एक स्कूटर हो, इतना तो हो। जो गैप बढ़ रहा है वो हमें ध्यान देना होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 41 है, वगैरह है 42, उसमें दिया हुआ है कि सरकार को मोनोपोली को रोकना चाहिए। ये एक ही आदमी सब्जी बेचेगा, एक आदमी कार बेचेगा, ये कैसे हो जाएगा? ये जो मॉल का सिस्टम चल रहा है इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीब लोगों को रोजगार कम होगा। तो आप ये देखिए स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे देखिए, हिंदुस्तान में हर जगह कम से कम कटेगा। जो बेचारे गरीब आदमी 20 रुपए में पूरी पेट भर देता था गरीब आदमी का, वो जॉबलेस हो गया। मैं ही देखता हूँ, हमें प्रैक्टिकली जो तस्वीर अभी सामने आ रही है, जैसा कि डीडी नकवी साहब भी कह रहे हैं क्या जी जी, कुल मिला के जो तस्वीर सामने आ रही है कि जो अभी के हालात है वो यही कह रहे हैं कि राम राज्य की जो कल्पना महात्मा गांधी ने की थी उससे अभी हम दूर हैं, बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ करना होगा, तब उस परिकल्पना के हम थोड़े बहुत करीब भी आ जाएंगे। चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद भी हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे।